आज हम बात करेंगे के कामराज जी द्वारा चलाई गई मिड डे मील और फ्री एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। के कामराज 1954 में मद्रास प्रोविंसेस के ये चीफ मिनिस्टर बने थे। मद्रास प्रोविंसेस आज के समय में तमिलनाडु स्टेट के नाम से जाना जाता है। जब ये उस समय चीफ मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने स्कूलों के अंदर स्पेशली मिड डे मील योजना को लागू किया था, यानी कि जिसे हम दोपहर के भोजन के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा हर एक छात्र को फ्री एजुकेशन, फ्री यूनिफॉर्म और फ्री एडमिशन जैसी जो चीजें थी इन्हीं के द्वारा लाई गई थी। इसका इंपैक्ट ये भी हुआ था कि अदर स्टेट्स के अंदर भी ये जो प्लानिंग थी वो इंप्लीमेंट की गई थी, यानी मिड डे मील हो गया और फ्री एजुकेशन पॉलिसी का होना। हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कहा भी था के कामराज को कि वो सबसे बढ़िया चीफ मिनिस्टर भी है। इसके अलावा ये आगे चल के कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने थे। ईयर 2009 में राइट टू एजुकेशन का एक्ट भी इंडिया के अंदर लाया गया था। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जिसके अंदर इन चीजों के बारे में भी बताया गया। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल नंबर 21A के बारे में, जहां पे आज के समय में किसी भी स्टूडेंट को जिसकी एज 6 से 14 ईयर तक की है तो उसे किसी भी स्कूल के अंदर एडमिशन के लिए मना नहीं किया जाएगा, बल्कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर तो फ्री एजुकेशन दी जाएगी, फ्री यूनिफॉर्म दी जाएगी, यहां तक कि स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। और इन केस उसकी एज के अकॉर्डिंग अगर उसे कहीं पे एडमिशन नहीं मिल रहा तो इसका भी प्रोविजन दिया गया। जो बैकवर्ड कम्युनिटी से बच्चे होते हैं वो स्कूल अपना नहीं कवर कर पाते क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग ये एक मेजर स्टेप लिया था, जो आज के समय काफी पॉपुलर भी है। और साथ ही साथ हमारा आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 जिसके अंदर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताया गया कि 6 से 14 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें किसी भी चाहे वो कारखाना हो या चाय स्टॉल हो वहां पे काम नहीं करने जाएगा, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी क्योंकि वो जो टाइम है उनकी एजुकेशन का होता है। ना केवल सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बल्कि प्राइवेट स्कूल के अंदर भी 25% जो रिजर्वेशन है वो वीकर सेक्शन और जो बैकवर्ड क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए रिजर्व भी रखा जाता है। तो ये एक गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है जिसकी शुरुआत के कामराज जी के द्वारा की गई थी। तो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर स्पेशली फॉर वीकर एंड डिसएडवांटेज ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी एक अच्छी पहल थी। होप सो कि आपको इसके बारे में काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।